केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखड़े और चार अन्य खिलाफ लोगों के खिलाफ एक क्रूज जहाज पर प्रतिबंधित ड्रग्स जब्त किए जाने मामले पर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे अरुण खान को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने बताया कि इसके बाद उसके परिसरों की तलाशी ली गई। उन्होंने कहा कि अरुण खान को 2 अक्टूबर 2021 को इस मामले पर गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने इस मामले पर आरोप पत्र दायर किया था। अरुण खान को क्लीन चिट दे दी गई। एनसीबी द्वारा गठित एक विशेष जांच दल ने दावा किया था कि वानखड़े नेतृत्व वाली जांच में चूक हुई है। उन्होंने कहा कि मुंबई, दिल्ली, रांची और कानपुर में 29 स्थानों पर तलाशी ली गई। इसी के साथ सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि आरोप है कि आईआरएस अधिकारी वानखेड़े पर अन्य ने कई लोगों ने आर्यन खान को ड्रग्स मामले पर फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को जानकारी मिली है कि अधिकारी उनके साथी ने 50 लाख रुपए की जो पेमेंट थी वो पहले ही ले ली थी। समीर वानखड़े आर्यन खान की गिरफ्तारी के समय मुंबई के एनसीबी के प्रमुख चीफ थे। उन्हें पिछले साल मई में चेन्नई के करदाता सेवा महानिदेशालय में स्थानांतरित किया गया था। आपको बता दें कि अब यहां पर जिस तरह से करप्शन का केस लग चुका है समीर वानखड़े पर, तो वहीं अब खबर है कि समीर वानखड़े को इस करप्शन के केस में सीबीआई अरेस्ट कर सकती है, उन्हें जेल में डाल सकती है। और जेल में इस करप्शन मामले पर क्या क्या हाल हो सकता है समीर वानखड़े का, तो बता दें कि यहाँ पर अगर समीर वानखड़े को लेकर इसी तरह की खबर सामने आती रही और ये आरोप वाकई सच हुए कि समीर वानखड़े ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की थी, और अगर ये आरोप सच हुआ तो समीर वानखड़े को जेल जाना होगा और जेल जाने के बाद उनके साथ सीबीआई किस तरह का बर्ताव करेगी, तो बताते चले कि यहाँ पर सीबीआई सख्त से सख्त पेशी करने वाली है समीर वानखड़े के साथ। और सच उगलवाने के लिए वो यहाँ पर खूब टॉर्चर भी करती हुई नजर आएगी समीर वानखड़े को सच जानने के लिए। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट।